सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द हर्ट लॉकर के बारे में। ये कहानी है अमेरिकी सेना की, जब वो इराक में युद्ध लड़ रहे थे और इस लड़ाई के दौरान यहाँ पे जितने भी सिपाही थे और उनके दिमाग के अंदर कितने सवाल थे और वो कितनी सारी बेचैनियों से रोज गुजरते थे, इन सारी चीजों को हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 2004 का दृश्य आता है और ये जगह होता है बगदाद, और यहाँ पर हम अमेरिकी सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें पता लगा है कि यहाँ पे एक बॉम्ब लगाया गया है। इसीलिए अमेरिकी सिपाहियों की एक बड़ी टुकड़ी यहाँ पे आई हुई है और इनके टीम को लीड कर रहा है मैथ्यू, और मैथ्यू इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाला है। और मैथ्यू के साथ यहाँ पे दो और सिपाही हैं जिनका नाम है सैनबॉर्न और इल्ड्रिज, और अभी लोग यहाँ पे बॉम्ब को ढूंढने लगते हैं और बहुत देर के कड़ी मशक्कत के बाद ये लोग बॉम्ब को ढूंढ भी लेते हैं। लेकिन ये लोग बॉम्ब को ढूंढने के लिए एक रोबोट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं कि कौन सा बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जैसे ही इन्हें बॉम्ब मिलता है ये मॉनिटर पे बॉम्ब को ध्यान से देखने लगते हैं और अपनी छानबीन करने लगते हैं, और मैथ्यू सोचने लगता है कि क्या वो इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता है या नहीं। और बहुत देर सोच विचार करने के बाद ये लोग निश्चय करते हैं कि ये लोग बॉम्ब को पहले ही फोड़ देंगे, और बॉम्ब की जगह पर अगर ये लोग पहले ब्लास्ट करेंगे तब उतनी ज्यादा क्षति नहीं होगी। इसीलिए अब मैथ्यू इस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो सबको कहता है यहाँ से दूर जाने के लिए, और ये लोग पूरे एरिया को खाली करवाने लगते हैं। और मैथ्यू जाकर के उस बॉम्ब के पास एक डायनामाइट लगा देता है और अब ये लोग तैयार होते हैं यहाँ पे ब्लास्ट करने के लिए, और मैथ्यू वहाँ से निकलने लगता है। तभी ये लोग यहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक मोबाइल होता है, और मोबाइल को देखते ही ये लोग समझ जाते हैं कि वो आदमी उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला है। इसीलिए अब ये लोग मैथ्यू को भागने के लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, और अब देखते ही देखते वो वाला बॉम्ब फूट जाता है और इसका धमाका इतना तेज होता है कि मैथ्यू उस धमाके के चपेट में आ जाता है, और यहीं पर मैथ्यू की मृत्यु हो जाती है। और इस चीज से सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा दुखी होता है सैनबॉर्न क्योंकि मैथ्यू उसका सबसे अच्छा दोस्त था, और सैनबॉर्न ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैथ्यू की ऐसी मृत्यु होगी। इसलिए अब सारे लोग ऐसे ही शोक मना रहे होते हैं, लेकिन मैथ्यू को जगह पे किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। इसलिए अब मैथ्यू के जगह पे एक बॉम्ब एक्सपर्ट को भेजा जाता है जिसका नाम है विलियम जेम्स, जिसे सब विल कह के बुलाते हैं, और विल की उम्र कम है लेकिन विल बहुत ही जोशीला नौजवान है। इसलिए जैसे ही विल बगदाद में पहुंचता है सैनबॉर्न उसे यहाँ की सारी चीजें बताने लगता है और वो अपना दिनचर्या भी बताता है, और जल्दी इन्हें एक और बॉम्ब के बारे में पता लगता है। इसीलिए लोग विल को लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। तब रास्ते में इल्ड्रिज विल को डराने की कोशिश भी करता है क्योंकि इल्ड्रिज को लगता है कि विल एक नौसिखिया है, लेकिन विल उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वो इल्ड्रिज को यहाँ पे बताता है कि वो पहले भी अफगानिस्तान में युद्ध लड़ चुका है, इसीलिए युद्ध उसके लिए नई चीज नहीं है। और तभी ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें बॉम्ब के बारे में पता लगा है, और यहाँ पर एक यूनिट पहले से है। इसलिए अब विल जल्दी ही पहुंचता है उस यूनिट के पास, और तब उसे पता लगता है कि बॉम्ब कहाँ पे है। इसलिए विल अपने कपड़े पहनने लगता है। तब सैनबॉर्न उसे आकर के कहता है कि हमें पहले रोबोट को भेजना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। तब विल कहता है कि नहीं, मैं सारी चीजों को खुद अकेला संभाल लूंगा। लेकिन सैनबॉर्न यहाँ पे विल को समझाने की कोशिश करता है क्योंकि उसने हाल ही में अपने एक साथी को मरते हुए देखा है, इसीलिए वो किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन विल भी इसकी बात नहीं सुन रहा, और सैनबॉर्न समझ जाता है कि ये बहुत ही जोशीला आदमी है और ये जोश में होश खो देता है। इसलिए विल आगे बढ़ने लगता है, और वो जैसे ही बॉम्ब के पास पहुंचने वाला होता है तभी इनकी तरफ एक टैक्सी चली आती है, और इस टैक्सी को देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं ये टैक्सी वाला ही ब्लास्ट ना कर दे। इसलिए विल बंदूक तान देता है इस टैक्सी वाले पे और उसे पीछे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। तब विल उसके और भी करीब जाने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो पीछे नहीं गया तब वो उसे गोली मार देगा, लेकिन ये टैक्सी वाला बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी विल इसे धमकाता है और वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को पीछे कर लेता है। तभी बाकी सिपाही आकर के उसे पकड़ लेते हैं, और विल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और वो जाकर के बॉम्ब को ढूंढने लगता है। और जैसे ही वो आसपास के कचरे को हटाता है उसे यहाँ पे बॉम्ब मिल जाता है। फिर वो वायर से खींच के बॉम्ब को बाहर निकालता है, और अब वो उसके ट्रिगर को ढूंढने लगता है, और थोड़ी देर के बाद उसे ट्रिगर भी मिल जाता है। इसीलिए वो उसे काट देता है और सारे लोगों को आश्वस्त करता है कि उसने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है, और अब सारे लोग शांत होने लगते हैं। तभी विल को यहाँ पे एक और वायर नजर आता है और वो उस वायर का पीछा करने लगता है, और थोड़ी देर के बाद जब वो वायर को बाहर खींचता है तब वो देखता है कि इस वायर से बहुत सारे बॉम्ब और भी अटैच हो रखे हैं, और इस चीज को देखने के बाद अब वो परेशान हो जाता है क्योंकि ये सारे बॉम्ब अगर एक साथ फटे तब यहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है। इसीलिए वो इन बॉम्ब्स के डेटोनेटर को ढूंढने लगता है जिनसे ये सारे बॉम्ब्स कनेक्टेड है, और वो अपने काम में लग जाता है। तभी यहाँ पर हम पास में एक आदमी को देखते हैं और उसे पता लग जाता है कि अभी आदमी बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगा, इसलिए वो नीचे आने लगता है जहाँ से वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन जब तक वो नीचे आता है तब तक विल को उसका ट्रिगर मिल जाता है और वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है, और इस चीज को देखने के बाद वो आदमी भाग जाता है। तभी हम इस बॉम्ब के वायर को देखते हैं और उसी के पास उस आदमी ने एक बैटरी गिरा रखी है, यानी कि वो कुछ ही सेकंड में बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला था, लेकिन हैन वक्त पे विल ने इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया और हजारों लोगों की जान बचा ली। इसीलिए अब सारे लोग विल के काम से बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन सैनबॉर्न अभी भी गुस्से में है और वो विल को समझाता है कि तुम्हें जोश में होश नहीं खोना चाहिए और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें संभल करके रहना चाहिए। लेकिन विल पे इन बातों का कोई भी असर नहीं होता है। तभी हम इल्ड्रिज को देखते हैं जिसकी मानसिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसीलिए वो
मिलता है यहाँ के साइकेट्रिस्ट से, जिसका नाम है जॉन कैम्ब्रिज। और जब कैम्ब्रिज उससे बातें कर रहा होता है, तब उसे पता लगता है कि इल्ड्रिज अंदर से बहुत ही ज्यादा डर चुका है और उसने इतनी मौतें देख ली है कि उसे लगता है कि उसकी भी मौत करीब है। इसीलिए कैम्ब्रिज उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपने जहन से इन सारी बातों को निकाल देना पड़ेगा। लेकिन इल्ड्रिज और भी ज्यादा डरने लगता है और उसका इलाज ऐसे ही जारी रहता है। तभी हम विल को देखते हैं जो बाहर जा रहा होता है। उसी समय उसके पास एक लड़का आता है जो डीवीडी बेचता है, और अब वो बातों ही बातों में यहाँ पे विल को एक डीवीडी बेच देता है और विल भी डीवीडी खरीद लेता है। लेकिन तभी इन्हें एक और बम के बारे में पता लगता है और ये लोग बम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और ये लोग जाते हैं एक पार्किंग में जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां लगी होती हैं, और इन्हें पता लगता है कि यहीं के किसी कार की डिक्की में एक बम है। और अब देखते ही देखते इन्हें बम का पता भी लग जाता है। तभी यहाँ पर पास में ही हम एक और आदमी को देखते हैं, और इसी ने इस बम को लगाया है। और जब वो इन सबको देखता है, तब वो उसी कार पे गोली चला देता है और उस कार में आग लग जाती है। इसीलिए अब सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं और कुछ लोग आग बुझाने लगते हैं और कुछ लोग उस आदमी को मार गिराते हैं जिसने गोली चलाई है। तब तक ये लोग आग भी बुझा देते हैं। और अब विल जाता है उस गाड़ी के पास, और वो जैसे ही डिक्की को खोलता है, वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब्स हैं। और इसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसे बहुत सारा वक्त लगने वाला है। इसीलिए वो अपने सूट को उतारने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि विल पागल हो चुका है, और खास करके सैनबोर्न, जो फिर से विल को आगाह करने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन विल कहता है कि कोई नहीं जानता कब कौन मरने वाला है, और अगर मुझे आज मरना है तब मैं सुकून से मरूंगा। और इतना कहने के बाद वो अपना पूरा का पूरा सूट उतार देता है और बॉम्ब के डेटोनेटर को ढूंढने लगता है। लेकिन वो सैनबोर्न के कॉन्टेक्ट में होता है, और विल को पता लग जाता है कि अब उसे पूरे गाड़ी में डेटोनेटर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डिक्की में कोई भी डेटोनेटर नहीं है। इसीलिए वो आगे चला जाता है। तब तक यहाँ पे आसपास में लोग भर जाते हैं, और इस चीज को देखने के बाद सैनबोर्न डरने लगता है। इसीलिए विल को कहता है कि हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, और अब दूसरी टीम यहाँ पे आएगी इसे डिफ्यूज करने के लिए। लेकिन विल इसकी बातों को नहीं मानता। तब सैनबोर्न उसे बार बार कहने लगता है यहाँ से निकलने के लिए। इसीलिए विल अब अपना हेडफोन निकाल के फेंक देता है, ताकि उसे सैनबोर्न की आवाज सुनाई ना पड़े। और हेडफोन को फेंकने के बाद वो फिर से काम पे लग जाता है। और इस चीज को देखने के बाद सैनबोर्न बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि विल ऐसा कैसे कर सकता है। तभी विल को डेटोनेटर मिल जाता है और वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है, और सारे लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही विल सैनबोर्न के पास आता है, वो उसे एक पंच मारता है और कहता है कि दोबारा कभी भी ऐसा मत करना। लेकिन विल को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे इनका सीनियर आ जाता है, और वो विल से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए वो उससे बात करने लगता है और पूछता है कि तुमने आज तक कितने बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया है। तब वो कहता है कि 873। और इस बात को सुनने के बाद इनका सीनियर और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है, और वो शाबाशी देता है यहाँ पे विल को, और ये लोग अपने कैंप में वापस चले आते हैं। तभी विल के पास वही लड़का आता है जिसने उसे डीवीडी बेचा था, और वो यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा होता है, और वो बताता है कि उसका नाम है बेकहम और उसे फुटबॉल बहुत ही ज्यादा पसंद है। तब विल उससे कहता है कि तुमने जो मुझे डीवीडी दी थी वो करप्ट थी, इसीलिए मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। लेकिन बेकहम कहता है कि मैं रिफंड नहीं देता। तब विल कहता है कि ठीक है, मैं गोल मारूंगा, और अगर तुमने उसे रोक लिया तो मैं तुम्हें उल्टा $5 और दूंगा। और इतना कहने के बाद विल अब बेकहम के साथ खेलने लगता है, और बेकहम गोल रोक भी लेता है। इसलिए अब विल यहाँ पे बेकहम को पसंद करने लगता है, और इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तभी हम एल्ड्रिज को देखते हैं, जिसका एक और सेशन चल रहा होता है कैम्ब्रिज के साथ। और कैम्ब्रिज अब यहाँ पे एल्ड्रिज को समझाने लगता है कि उसे अपने दिमाग के उलझनों से बाहर निकलना पड़ेगा। तब इस बात को सुन के एल्ड्रिज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या जानो मौत का खौफ, तुम बस यहाँ पे कैंप पे रहते हो, लेकिन हमें जाना पड़ता है फील्ड में, और असली मौत का खतरा वहीं पे होता है, इसीलिए तुम मेरे डर से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो। और इस बात को सुनने के बाद कैम्ब्रिज कहता है कि जब भी सेना को मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं फील्ड में भी जाऊंगा। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है, और हम इन अमेरिकी सिपाहियों को देखते हैं मरुस्थल में, जहाँ पे एक्सप्लोजन टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तभी एक ब्लास्ट के बाद विल कहता है कि मेरा ग्लव छूट गया है, और वो उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे बॉम्ब्स लगे हुए हैं। तब सैनबोर्न यहाँ पे एल्ड्रिज से कहता है कि कभी कभी गलती से बॉम्ब पहले ही फट जाता है, और सैनबोर्न का मतलब ये होता है कि वो मारना चाहता है यहाँ पे विल को। और इस बात को सुनने के बाद एल्ड्रिज डर जाता है। तभी हमें पता लगता है कि सैनबोर्न बस यहाँ पे मजाक कर रहा था। और अब ये लोग फिर से वापस जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूरी पे जाते हैं, इन्हें यहाँ पे एक गाड़ी नजर आती है, और उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हाथों में बंदूकें होती हैं। तब ये लोग उनके पास चले जाते हैं और उन पे बंदूक तान देते हैं और घुटने पे बैठने के लिए कहते हैं। तब इनका मुखिया अपनी शक्ल दिखाता है, और इन्हें पता लगता है कि ये लोग एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के हैं, और इराक में ये लोग दो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ने आए थे, जिनके सर पे $50,000 का इनाम है। लेकिन रास्ते में इनके गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसीलिए इन्हें यहाँ पे रुकना पड़ा। और इस बात को सुनने के बाद अब ये लोग अपने टूल्स देते हैं, और वो लोग अपनी गाड़ियों को रिपेयर करने लगते हैं। तभी कुछ इराकी इन पे हमला कर देते हैं, और यहाँ पे भगदड़ मच जाती है, और वो दोनों क्रिमिनल्स भागने लगते हैं। तब ये लोग उन्हें मार गिराते हैं और आकर के एक गड्ढे में छुप जाते हैं, और इन्हें पता लगता है कि एक स्नाइपर इन पे हमला कर रहा है। इसीलिए प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का लीडर भी अपनी स्नाइपर निकालता है और वो उन पे निशाना लगाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, वो लोग उस पे गोली चला देते हैं, और यहीं पे लीडर की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अब सैनबोर्न यहाँ पे कमांड संभालता है और वो निशाना लगाने लगता है, और वो देखता है कि वो स्नाइपर एक घर के अंदर छुपा हुआ है और वो बहुत सारे लोग हैं। इसलिए वो उन पे गोलियां चलाने लगता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है
जब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए अब विल एल्ड्रिज को गोलियां ढूंढने के लिए कहता है और कहता है कि उस लीडर के पास गोलियां होंगी और उसके पास सच में गोलियां होती हैं, लेकिन अब उन गोलियों पे खून लगा है। इसलिए विल यहाँ पे एल्ड्रिज को खून साफ करने के लिए कहता है, लेकिन एल्ड्रिज बहुत ही ज्यादा डर चुका है इसलिए वो खून साफ नहीं कर पाता। तब विल उसकी मदद करता है और सैनबर्न एक बार फिर से निशाना लगाने लगता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। तभी एल्ड्रिज यहाँ पे एक और आदमी को देखता है जो उन पर दूसरी तरफ से हमला करने वाला होता है। तब विल एल्ड्रिज को कहता है कि उसे मार गिराओ और एल्ड्रिज उस पर गोलियां चलाने लगता है और दूसरी तरफ सैनबर्न भी उस स्नाइपर को मार गिराता है। और यहाँ पे पहली बार विल और सैनबर्न ने मिल करके काम किया है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसीलिए अब इन दोनों की दोस्ती अच्छी होने लगती है और ये घर आने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। तब सैनबर्न को पहली बार यहाँ पे विल की जिंदगी के बारे में पता लगता है और विल बताता है कि उसकी एक बेटी है और थोड़े समय पहले उसकी शादी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद उनका तलाक हो गया। लेकिन तलाक के बाद भी उसकी पत्नी उसी के साथ रहती है। और अब यहाँ पे सबको पता लगता है कि विल अपने प्रोफेशन को लेकर के कितना सीरियस है और उसे बॉम्ब से सच में प्यार है, क्योंकि वो उनके पाठ पुर्जों को अपने बिस्तर के नीचे रखता है और जब वो रात में सोता है तब उससे पहले एक बार अपने सूट को जरूर पहनता है, जिससे पहनने के बाद वो बॉम्ब को डिफ्यूज करता है। तभी इन्हें अगले दिन एक और जगह के बारे में पता लगता है और ये जगह एक वेयर हाउस है और वहाँ पर भी एक बॉम्ब है, इन्हें पता लगा है, इसीलिए ये लोग जाने लगते हैं। तभी कैम्ब्रिज इनके पास आता है और कहता है कि आज वो भी फील्ड में जाना चाहता है और इस चीज को सुनने के बाद सारे लोग बहुत चक्का रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कैम्ब्रिज को अपने साथ लेकर के जाते हैं। और अब सारे लोग पहुंचते हैं वेयर हाउस, लेकिन विल जैसे ही अंदर जाता है उसे एक बच्चे की डेड बॉडी नजर आती है और उसे पता लगता है कि ये बेखम है और किसी ने इसे मारा है और उसके बाद इसके शरीर के अंदर एक बॉम्ब लगा दिया है। और इस चीज को देखने के बाद विल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो बेखम को पसंद करता था, इसीलिए वो रोने लगता है और वो सबको बाहर जाने के लिए कहता है और कहता है कि हम जल्दी इस पूरे बिल्डिंग को उड़ा देंगे। और अब सारे लोग बाहर जाकर के विल का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन विल अब अपना इरादा बदल देता है और वो पूरे बिल्डिंग को तबाह नहीं करना चाहता, इसीलिए वो बेखम के पेट को फिर से फाड़ता है और अंदर से बॉम्ब को बाहर निकाल लेता है। और फिर बेखम की बॉडी को लेकर के बाहर आता है और उसकी बॉडी को अपनी गाड़ी में रख लेता है ताकि ये लोग उसका अंतिम संस्कार कर सके। और अब सारे लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार है, इसीलिए अब एल्ड्रिज यहाँ पे कैम्ब्रिज को भी बुलाने लगता है, लेकिन कैम्ब्रिज जैसे ही गाड़ियों की तरफ आता है उसका पैर पड़ जाता है एक बॉम्ब पे और यहीं पे कैम्ब्रिज की मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद अब एल्ड्रिज परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि उसी की वजह से कैम्ब्रिज की मौत हुई है, क्योंकि उसी ने उसे भड़काया था फील्ड में जाने के लिए, इसीलिए और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। और दूसरी तरफ विल भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो कैसे भी बेखम के मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो उसी आदमी की दुकान पे जाता है जिसके डीवीडीज को बेखम बेचा करता था, इसीलिए वो उससे बेखम के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे इंग्लिश नहीं आता। तब विल इंतजार करने लगता है शाम होने का और जैसे ही वो आदमी दुकान बंद करके यहाँ से जा रहा होता है तभी विल आकर के उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे बेखम के घर पे लेकर के चलो। और अभी आदमी उसे लेकर के जाता है एक अनजान घर के पास और कहता है कि यही बेखम का घर है और वो यहाँ पे विल को छोड़ करके भाग जाता है। लेकिन विल जैसे ही घर के अंदर जाता है उसे यहाँ पे एक टीचर मिलता है जो उसे बताता है कि ये बेखम का घर नहीं है। तभी यहाँ पे उस टीचर की पत्नी आ जाती है और जब वो विल के हाथ में बंदूक देखती है तब वो उसे मारने लगती है और अपने घर से भागने के लिए कहती है, इसीलिए विल भी यहाँ से भाग जाता है। और विल अब पैदल भागता हुआ पहुँचता है कैंप पे, तब उसे सैनबोन मिलता है और कहता है कि पास में ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, इसीलिए अभी के अभी हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसलिए विल भी इनके साथ निकल जाता है। और जब ये लोग ब्लास्ट वाली जगह पे जाते हैं तब देखते हैं कि यहाँ पे हर तरफ चीखें फैली हुई हैं और ये धमाका बहुत ही बड़ा है। इसलिए विल सोचने लगता है और कहता है कि जिसने भी इस धमाके को किया है वो आसपास में ही है और वो तमाशा देख रहा है कि उसने कितने सारे लोगों को आज मारा है, इसीलिए अगर हम चाहें तो उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन इस बात से ये दोनों लोग मुतासिर नहीं होते और सैनबर्न और एल्ड्रिज उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन विल नहीं मानता और वो अपने साथ इन दोनों को भी लेकर के जाता है और वो चारों तरफ इन्हें ढूंढने लगते हैं और जल्दी ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। तभी एल्ड्रिज को कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं और यहाँ पे गोलियां चलने लगती है, इसीलिए अब विल और सैनबर्न उन गोलियों का पीछा करने लगते हैं और उन्हें यहाँ पे एक लाश मिलती है। और तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ से एल्ड्रिज को लेकर के जा रहे हैं, इसलिए अब विल इन पे गोलियां चलाने लगता है और जो लोग एल्ड्रिज को लेकर के जा रहे थे विल उन्हें मार गिराता है। लेकिन अब विल की ये गोली जाकर के लग जाती है एल्ड्रिज को, लेकिन वो गोली उसके पैर में लगती है, इसीलिए एल्ड्रिज नीचे गिर जाता है। तब ये दोनों एल्ड्रिज के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो पैनिक ना करे, क्योंकि बस ये छोटा सा जख्म है और वो जिंदा बच जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब एल्ड्रिज बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो लोग उसे कैंप लेकर के आते हैं। लेकिन अब जल्दी ही एल्ड्रिज की सर्जरी करनी पड़ेगी, इसीलिए अब सेना वाले उसे हेलीकॉप्टर से लेकर के जा रहे होते हैं। तब विल और सैनबर्न उसके पास होते हैं। तब एल्ड्रिज यहाँ पे विल को गालियां बकने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और मेरे पैर की ये हालत हुई है, क्योंकि तुम्हें हर बार कुछ अलग करना होता है और तुम बाकी सिपाहियों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि वो इस जगह से नफरत करता है और फाइनली उसे यहाँ से जाने का मौका मिल रहा है। और इसी के साथ सेना वाले एल्ड्रिज को लेकर के चले जाते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि एक सिविलियन के बॉडी पे बहुत सारे बॉम्ब्स लगाए गए हैं और अभी वो शहर के बीचों बीच घूम रहा है, इसलिए अब ये लोग अपनी पूरी यूनिट के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर विल अपने आप को तैयार करता है और उस आदमी की तरफ जाने लगता है और धीरे धीरे वो उस आदमी को शर्ट उतारने के लिए कहता है। और अब जैसे ही विल बॉम्ब को देखता है वो समझ जाता है कि ये बॉम्ब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसे डिफ्यूज करना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो सारे लोगों को पीछे जाने के लिए कहता है और धीरे धीरे उस आदमी के पास जाने लगता है और वो उस आदमी को नीचे बैठने के लिए कहता है।
लेता है, लेकिन उस आदमी को इंग्लिश नहीं आती। तब वो अपने साथियों की मदद लेता है और वॉकी टॉकी से इस आदमी को कहलवाता है नीचे बैठने के लिए। और इस वक्त ये आदमी बार बार गुहार लगा रहा होता है विल से कि वो उसकी जान बचा ले, क्योंकि इस आदमी का परिवार है और इसके बीवी बच्चे हैं, इसलिए मरना नहीं चाहता। और विल इसके सारे बॉम्ब्स को देखने लगता है और वो देखता है कि इस बॉम्ब के इर्द गिर्द बहुत सारे ताले लगे हुए हैं। और विल सबसे ज्यादा परेशान तब होता है जब वो देखता है कि यहाँ पे एक टाइमर भी लगा हुआ है और 3 मिनट के अंदर ये बॉम्ब फट जाएगा। इसीलिए वो सैंडबोन को यहाँ पे एक कटर लाने के लिए कहता है जिससे वो ताले को काट सके। और जल्दी से सैंडबोन यहाँ पे एक कटर भी लाता है, लेकिन विल उससे भी ताले को नहीं काट पाता और वो समझ जाता है कि ये मामला बहुत ही गंभीर होने वाला है। इसीलिए वो अपनी आखिरी कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सैंडबोन को यहाँ से भागने के लिए कहता है और बाकी सारे लोगों को 75 मीटर दूर जाने के लिए कहता है। तब सैंडबोन यहाँ पे बार बार चिल्ला रहा होता है कि विल वापस आ जाए, लेकिन विल अपनी आखिरी कोशिश कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि अब बस यहाँ पे 30 सेकंड का वक्त बचा हुआ है और वो समझ जाता है कि वो इस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो उस आदमी से माफी मांगता है और भागने लगता है। तभी ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ये धमाका बहुत ही बड़ा होता है और विल भी इस धमाके के चपेट में आ जाता है और वो घायल हो जाता है। तब सैंडबोन उसे निकाल के लाता है और उसे गाड़ी में लेकर के यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद अब सैंडबोन टूट चुका है, इसलिए वो विल से कहता है कि हमें हर रोज पता नहीं होता कि आज हम जिंदा बचेंगे या मर जाएंगे, और हम हमेशा ही अपनी मौत के पास भाग करके जाते हैं और हम हर रोज अपने आप को मौत के लिए तैयार करते हैं और ये चीज मुझे अंदर से खाया जा रही है। मैं भी तुम्हारी तरह एक परिवार बनाना चाहता हूँ और उनके साथ समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन परिवार होने के बाद भी तुम इतनी बहादुरी के साथ काम करते हो। काश मैं भी तुम्हारे इतना बहादुर होता, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। और इन सारी बातों को सुनने के बाद हम समझ पाते हैं कि सैंडबोन अंदर से टूट रहा है। और इसी के साथ अब यहाँ पे इनका टूर खत्म हो जाता है और विल अपने घर वापस चला आता है और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगता है और ऐसे ही समय बीतने लगता है। लेकिन धीरे धीरे विल को समझ में आने लगता है कि उसे सबसे ज्यादा युद्ध ही पसंद है और वो बॉम्ब से दूर नहीं रह सकता। इसीलिए जब वो घर पे होता है तब वो अपनी पत्नी से भी सिर्फ बॉम्ब्स की बातें करता है और उसे हर एक ब्लास्ट की जानकारी होती है। और वो अपने आप को कोसता है और कहता है कि अगर मैं वहाँ पे होता तब मैं उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता। और अब सारे लोग समझ जाते हैं कि विल के दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए विल फिर से निर्णय करता है सेना को ज्वाइन करने का। इसीलिए वो डेल्टा फोर्स को ज्वाइन करता है और वो निकल पड़ता है अपने अगले टूर पे, और उसका अगला टूर है 1 साल के लिए। और इसी के साथ हम विल को फिर से सूट में देखते हैं और वो एक बॉम्ब की तरफ आगे बढ़ रहा होता है उसे डिफ्यूज करने के लिए। लेकिन विल इससे डरा हुआ नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पे एक अलग तरीके की खुशी है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।